पुत्रों के लिए अभिनंदन कहा कि उनका अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज का किसान सम्मेलन इस नाते से भी ज्यादा आनंद का है कि हमारे अपने कृषि प्रधान देश के अंदर अभी तो आपको एक नई सौगात मिली है, दो कुटकी पे एमएसपी लागू नहीं होता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोदो कुटकी के लिए हमारी सरकार बनी और बनते हमने जबलपुर में 1000 रुपया प्रति क्विंटल का उसमें अनुदान देने की घोषणा की है, लेकिन अब भारत सरकार ने मोदी जी के लिए ताली बजाओ 4290 रुपए के क्विंटल खरीदने की घोषणा कर दी है सरकार के माध्यम से। कोदो कुटकी का अन्ना अपनी सरकार खरीदेगी और उसके आधार पर अब खरीफ की दूसरी फसलें जो हम मजबूरी में करते थे, अभियान चलाओ सभी माननीय विधायक कि कोदो कुटकी अगर आप खरीदोगे तो सरकार उसको अपने स्तर पे एमएसपी के आधार पर खरीदने जा रही है और अलग से अधिकार अलग देगी, तो हमारे फसल चक्र है, उस फसल चक्र को संभालने की जरूरत संभालना चाहिए कि संभालना चाहिए। मुझे एक बात और आनंद है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब से प्रधानमंत्री बने 10 साल से नक्सलवादी मूवमेंट की पूरे देश में कमर टूटी है और बालाघाट के 28 जवानों का सम्मान करके मैं आ रहा हूं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके नक्सलवादी मूवमेंट का जिला जिस प्रकार से सुखी नींद सोता है ऐसे प्रत्येक जवान के साथ सरकार भी है। मुझे इस बात का भी आनंद है, खासतौर पर अपने यहां पर मिलेट उत्पादन में बालाघाट ने अपनी विशेष पहचान बनाई, इसी मिलेट के आधार पर अभी बहुत सारी प्रदर्शनियां लगी, उन प्रदर्शनियों में मैं लौट के आया हूं। और ये जो खासकर के कोदो की फसल की हिस्ट्री बताते हैं ये लगभग 3000 साल पहले भी यहाँ कोदो की फसल हो कर रहे हैं। आने वाले समय में सूर्य ग्रहण के आधार पर
पर भी अभिनंदन करो, जगह जगह सोलह के बड़े पैमाने पर ये अभियान चलाने वाले कि आगे जाकर के किसान अपनी बिजली भी खुद उत्पन्न करे और अपनी बिजली से अपना खुद का गुजर बसर करे, घर के कनेक्शन भी ले। अभी तो हमारा जल गंगा अभियान चला, मुझे ध्यान में आया कि बालाघाट पे भी बड़े पैमाने पर हुआ, लेकिन बालाघाट के अंदर कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब, नदी के किनारे पुराने जितनी भी जल रचना है सब पे काम हुआ है। कल इसका समापन होगा। कलेक्टर के माध्यम से आप अपने हर विधानसभा में अच्छे जो काम हुए वीडियो फिल्म दो ताकि ये अच्छे से हमारे पास आए और आप सुन लेना, किसानों को लेकर के इनकी चरणों की भूमि पे भी बहुत आक्रमण हो रहे हैं। इनके सारे अतिक्रमण हटाना ताकि लोग अपने चरणों में अपने जानवरों को अपने हिसाब से चला सके। मैं आप आज के अवसर पर इस क्षेत्र के अंदर से लेकर के हमने तय किया है कि हमारी गोमाता बीमार, लाचार, परेशान, जंगल जंगल नहीं भटकेगी। ऐसी गोमाताओं के लिए जो भी पंचायतें गौशाला बनाना चाहेगी, सरकार उनको मदद करेगी, उनकी गौशाला बनाएगी ताकि गौ माता की भी जान बचे और हमारे इस पवित्र हिंदू धर्म का सम्मान भी रहे और खेतों की किसानों की फसल भी सुरक्षित हो। मैं गोवंश के मामले में कोई कोताही बरतने के लिए सरकार तैयार नहीं। हमने पिछले महीने अभियान चलाया जिसके बलबूते पर 7,500 से ज्यादा गौ माताएं मुक्त कराई गई, 1,000 से ज्यादा लोगों को बंदी बनाया गया, 100 से ज्यादा वाहनों को जब्त किया गया। यह अभियान लगातार जारी रहेगा, किसी भी हालत में गौ माता के ऊपर कोई आक्रमण करे हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। बाजरा, आपके यहाँ बाजरा भी होता है, बाजरा की फसल के लिए एमएसपी हमने देने की बात कही। ऐसे मोटे अनाज को लेकर के कंगनी, रागी, सवा, क्या समाना चावल भी होता आपने, और कोदो कुटकी, चना तो है ही सही। ये लगातार एक के बाद मिलेट के सारे क्षेत्र में जितने प्रकार से आपकी फसल होती है, मुझे बता गया है 67,000 हेक्टर से बढ़कर के अभी अपने बालाघाट में 1,00,000 हेक्टर जमीन अपनी इस लायक तैयार हुई है प्रदेश के अंदर। उसमें बड़ी भूमिका बालाघाट की जोरदार ताली बजाओ, हम लगातार प्रोत्साहन देंगे। इतने सब प्रकार के फसल मोटे अनाज में बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, ये हमारा नर्मदा का बेड, इसकी दुनिया अलग ही प्रकार की। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे इस बालाघाट में फसलों का रकबा जो 10,000 हेक्टर था, खास करके मोटे अन्न का, आज की स्थिति में 15,200 हेक्टर का लक्ष्य हमने फिर बढ़ा के रखा है कि आने वाले समय में इसको भी प्रोत्साहन देंगे। मुझे एक और बात की ध्यान में आया कि हमने घोषणा की थी हमारे लिए एक लाडली बहना एक बेटी है, 5 तारीख को फिर आपकी राशि आपके खाते में आने वाली है। लाडली बहनों की राशि भी किसी प्रकार से रुकने वाली नहीं है, लगातार हम देने वाले, कुछ और राशि भी बढ़ा के बनाने वाले। मैं इसके साथ साथ हमारे अपने बालाघाट के अंदर उद्योग धंधों की दृष्टि से भी ये जबलपुर में 20 जुलाई को बड़े उद्योगों के लिए सम्मिट होने वाली है, जिसके माध्यम से इस पूरे अंचल में नए उद्योग लगे, कारखाने लगे, चाहे कुटीर उद्योग हो, चाहे सूक्ष्म, तमाम रूप से काम कर रहे हैं। और आप में से भी जिनको उद्योग धंधे लगाना है, जिनकी इसमें रुचि है, उनको भी हम प्रोत्साहन देने वाले हैं। अपने बच्चों के लिए बताना चाहूंगा, जुलाई महीने में 55 जिलों में एक्सीलेंस कॉलेज के माध्यम से बालाघाट को भी सौगात मिलने वाली है। एक एक्सीलेंस कॉलेज बालाघाट में भी युवाओं के लिए मिलेगा। युवाओं के लिए भर्ती के लगातार अभियान चला रहे हैं। शिक्षा के साथ स्वास्थ्य भी, स्वास्थ्य में लगभग 45,000 नए पद, डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, सभी प्रकार के। तो ये जो हमारे सीएससी सेंटर है, सभी प्रकार के सीएससी सेंटर को उन्नत करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। लगभग 15,000 पद पुलिस के भी भर्ती के बाकी है, मुझे ध्यान में दिलाया गया है, बहुत जल्दी ये पद भी भरने का काम हमारी सरकार करेगी ताकि लोगों को रोजगार लगातार मिल सके। ऐसी एक भी
क्योंकि आज विशेष दिन है, मैं आपका धन्यवाद करने आया हूं। और अभी तो शुरुआत हुई है, सरकार लगातार इस प्रकार से आते रहेंगे, एक के बाद एक जो बालाघाट चाहेगा वो सब कुछ करेंगे। लेकिन अभी कुछ काम आपके बीच में जो मंजूर किए हैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। लगभग 101 करोड़ की लागत से सरेखा रेलवे ओवरब्रिज बालाघाट डबरा रेलवे क्रॉसिंग का भी निर्माण किया जाएगा, ये घोषणा भी हमारे द्वारा की जा रही है। मुझे इससे लगता है कि 25 करोड़ 30 अरे भैया करोड़ों में बोला तालीबाजी का बजाओ, सुनते सुनते ऐसा लग रहा है कि हमारी अपनी बोल सी दुनिया में है। एक 25 करोड़ 30 लाख की लागत से राशि से बेलगंगा नदी पर पुल बनने वाला है। ये पुल बनने की भी जरूरत थी कि नहीं थी? जोरदार ताली बजा ये बनाने की घोषणा अपनी सरकार के द्वारा की जा रही है। 24 करोड़ की लागत से बालाघाट जाटपुर उच्च स्तरीय पुल का भी निर्माण किया जाएगा, ये आपके यहाँ पर है। 15 करोड़ की लागत से वाराणसी में रेलवे और भी होने वाला सुनने वाला जोरदार ताली बजा वाराणसी को भी 15 करोड़ की लागत से आपको ये लाभ दिया जाए। जिले के अंदर किसानों की ब्याज माफी 32,161 किसानों के 41 करोड़ की राशि का ऋण हमारे द्वारा माफ करने की मैं घोषणा करता हूं, ताकि किसानों को वापस रेगुलर आने में उनकी मदद मिल सके। संबल योजना के माध्यम से 27,705 हितग्राहियों को लगातार लाभ दे रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा जल जीवन मिशन, हेल्थ मिशन, एजुकेशन मिशन, सभी प्रकार के कामों के माध्यम से विकास की ये धारा लगातार चलती रहेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार लगातार बढ़ती रहे। दो तीन जानकारी आपको और देना चाहूंगा। एक जानकारी, हॉस्पिटल में कोई कारण से अगर कोई बीमार हो जाए और बीमार व्यक्ति को लगता है कि बड़े ओवर हॉस्पिटल में पहुंचाना पड़ेगा तो उसकी जान बचेगी, तो आयुष्मान योजना के कार्ड जिनने बनाए उनके लिए फ्री हेलीकॉप्टर सुविधा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। गरीब आदमी की जान बचाने का काम ये हमारा, और उसमें केवल हेलीकॉप्टर नहीं आएगा, डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, जैसा हॉस्पिटल में वो है ऐसी की ऐसी सुविधा हेलीकॉप्टर में दे करके उसको जहां जरूरत है वहां पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने का करने का निर्णय लिया। जो पैसे लगेंगे लगे, लेकिन गरीब आदमी की जान बचाना ये हमारा काम है। और गरीबों के अलावा जो सक्षम है अगर वो भी चाहेंगे तो 2 लाख रुपया उनको भी देना पड़ेगा, उनके लिए भी हेलीकॉप्टर की सुविधा ये एम्बुलेंस उनको देने की घोषणा है, क्योंकि सभी प्रकार के लोगों के लिए हमने लगातार चिंता की। अभी हवाई सेवाओं में हमने एक एयर टैक्सी चालू की है। एयर टैक्सी के माध्यम से जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, रीवा ऐसे बड़े बड़े शहर के बाद आने वाले समय में जहां जहां हवाई पट्टी बनती जाएगी वहां भी एयर टैक्सी के माध्यम से अपने प्रदेश के अंदर का संबंध बनाएंगे। आपके अंदर ग्रामीण क्षेत्र में भी कोई अच्छे मंदिर हो जो पुराने हैं, जिनका मान सम्मान है, जिनको जानते हैं, धर्मस्व विभाग के माध्यम से प्रत्येक स्थान का भी निर्माण करने का, उनका उद्धार करने का हमारी सरकार द्वारा निर्णय किया गया। हमारे देवस्थान अच्छे नहीं होंगे तो किसको जाने? भगवान राम, भगवान कृष्ण जिन्होंने अपने प्रदेश के अंदर जब उनकी लीलाएं हुई होगी, जहां जहां उनने गमन किया होगा, पथ भ्रमण हुआ होगा, ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने की घोषणा है। आपके बालाघाट के अंदर भी ऐसे स्थान हो जहाँ भगवान राम का संबंध जुड़ता है, भगवान कृष्ण का संबंध जुड़ता है, तो जिला प्रशासन सुनकर के उनको आइडेंटिफाई करे, उनको चिन्हित करे, ऐसे प्रत्येक स्थान को हमारी सरकार के माध्यम से तीर्थ स्थल के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय हमने किया है, उनको तीर्थ के रूप में बनाई। और बहुत सारी बात समय की कमी है, मुझे छिंदवाड़ा यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार बनाने में आपसे जो मैंने निवेदन किया था,
माननीय मोदी जी ने निवेदन किया था, आपने उसको पूरा किया है, इसलिए आपका आभार करता हूं। दोनों हाथ जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपने जो विश्वास व्यक्त किया है उस पे पूरा खरा उतरते हुए बालाघाट के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी, ये आश्वासन देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की।